तो आप लोग इधर देखिए, पहले इधर देखिए, 1 महीने के अंदर 11% का रिटर्न प्रोवाइड किया, 1 महीने के अंदर 11% का रिटर्न। मैं बहुत बार आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर बता रखा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, बट आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास। तो मैं 1 महीने से पहले आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा था, बहुत दिन से रिकमेंड कर रहा हूँ, 1 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, बट आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। यदि आप इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको कम से कम 10-12% का रिटर्न मिल गया होता। एंड और मैं बात करूँ 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर 42% का रिटर्न, 43% का मान सकते हैं ऑलमोस्ट, तो 6 महीने के अंदर 43% का रिटर्न मिल गया कुछ नहीं करते। और इतनी नामचीन कंपनी है ये, इतनी बड़ी कंपनी है, और 6 महीने के अंदर 42% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया। एंड 1 साल का मैं बात करूँ तो 1 साल के अंदर 87% का रिटर्न, इधर देख सकते हो आप लोग, 87.5% का 1 साल के अंदर रिटर्न। एंड मैं 5 साल का बात करूँ तो 5 साल के अंदर 400% का रिटर्न, 406% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है इस स्टॉक ने। और जो स्टॉक का प्राइस है अभी आप लोग देख सकते हो 1734 रुपया, अभी करंटली 1737 रुपया, सॉरी 1737 रुपया स्टॉक का प्राइस है अभी। इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आप इसमें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में यदि बाय किए होते, आप SIP भी इसमें कर दिए होते, तो आज आपको माला माल बना देता ये स्टॉक। एंड मैं मार्केट कैप का बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो इसका मार्केट कैप है वो 7.5 लाख करोड़ के आसपास है, 7.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है इसका, आप समझ सकते हो भाई साहब। और जो 52 वीक में हाई बनाया था वो 1789 रुपया बनाया था, एंड 52 वीक में जो लो बनाया था वो 895 रुपये का लो बनाया था। और डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है, इधर देख सकते हो 0.46% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है ये कंपनी। तो आप सोच रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है, तो आप लोग देख सकते हो ये कंपनी आपने बहुत बार सुना होगा, इस कंपनी का नाम आप लोग इधर देख सकते हो, भारतीय एयरटेल लिमिटेड करके, भारतीय एयरटेल लिमिटेड करके। आपके पास इसका सिम भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास आप इसके यूजर भी होंगे। यदि आप इसमें क्या कहते हैं, इसका सिम चलाने से अच्छा इसमें आप SIP कर दिए होते ना, तो आज आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया होता।